ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल और ईरान आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। हानिया की मौत का कारण इजरायली हमला बताया गया है। हालांकि इजराइल ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल पर ईरान के हमले का डर बना हुआ है। ईरान चेतावनी दे चुका है कि वो इजराइल पर हमला करेगा। ईरान के इस बयान के बाद इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वह भी इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इजराइल का पड़ोसी मुस्लिम देश साथ आया है और उसने मदद का भरोसा दिया है, और ये देश है जॉर्डन। जी हाँ, जॉर्डन जो कि इजराइल का पड़ोसी है। खबर है कि वो मुस्लिम देश ईरान पर पलटवार करने के लिए अपना एयर स्पेस देगा। यह खबर इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक कही जा रही है, जिसमें कहा गया है कि एक हाई रैंकिंग स्रोत ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह फैसला जॉर्डन सरकार के आधिकारिक रुख के बावजूद दिया जा सकता है। दरअसल में कहा जा रहा है कि यह फैसला जॉर्डन के व्यापक सुरक्षा हितों और इजरायल के साथ उसके सहयोग की नीति के हिसाब से है। आपको बताएं कि अप्रैल महीने में ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले किए गए थे, जिसको विफल करने में जॉर्डन ने इजरायल की मदद की थी। सूत्र ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जॉर्डन का कदम यूएस के साथ उसके रणनीतिक गठबंधन के अनुरूप है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसने इसे नहीं माना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन ने पहले अप्रैल में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान इजरायल को इसी तरह की इजाजत दी थी। तब ईरान ने 300 मिसाइल और ड्रोन के जरिए इजरायल पर हमला बोला था। इनमें से कुछ इजरायल तक पहुंचे थे, जिन्हें इजरायल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। एक बार फिर इसी तरह के हमले की आशंका जताई जा रही है। लेकिन हानिया की मौत के बाद 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ईरान की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इन सब के बीच शनिवार को इजरायल ने गाजा में हवाई हमला किया, जिसमें एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा दी गई है। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इजरायली सरकार ने दावा किया है कि स्कूल के अंदर हमास के कमान सेंटर को निशाना बनाया गया था, लेकिन हमास ने इस बात से इनकार कर दिया है। हमास ने कहा है कि उसका कोई भी कमान सेंटर स्कूल के अंदर नहीं था, बल्कि इस स्कूल का इस्तेमाल शरणार्थियों के रहने के लिए किया जा रहा था, जो युद्ध के चलते अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ी खबर सामने आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।